एसीएल सर्जरी के बाद कितने दिनों पे पैर मोड़ना चाहिए दोस्तों, आज हम उसी पर बात करेंगे। आप ये वीडियो अंत तक देखते रहिए ताकि आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी मिले। मेरा नाम डॉक्टर मनु वोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थरोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। तो दोस्तों, एसीएल सर्जरी के बाद नी बेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप नी बेंडिंग नहीं करेंगे तो आपका घुटना जाम हो जाएगा। कितने दिनों के बाद मोड़ना है वो डिपेंड करता है कि किस मेथड से आपकी सर्जरी हुई है। अगर आपकी एसीएल सर्जरी दोस्तों बायो स्क्रू और एंडो बटन या एडजस्टेबल लूप या फिक्स लूप और नीचे स्क्रूज, अगर इस मेथड से आपकी एसीएल की सर्जरी हुई है, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, जब हम एसीएल की सर्जरी में हमने आपके टेंडन है, हैमस्ट्रिंग टेंडन है, ग्राफ्ट बनाया और उसको हमने आपके फीमर में बटन से डाला है और हमने टीबिया में उसको स्क्रू से चिपकाया है। इस टेंडन को चिपकने में दोस्तों 1.5 महीना लगता है। जब तक ये चिपक नहीं जाता हड्डी में, तब तक आप इसको एकदम से नहीं मोड़ सकते, नहीं तो ये हिल जाएगा। इसीलिए जो स्क्रू की सर्जरी होती है दोस्तों, उसके अंदर आपका जो नी बेंडिंग है वो धीरे धीरे आती है। जो फर्स्ट वीक में 10 डिग्री, सेकेंड वीक में 20 डिग्री, थर्ड वीक में 30 डिग्री, ऐसे कर धीरे 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 करते हुए 1.5 से 2 महीने में हम कंप्लीट बेंडिंग अचीव करते हैं। अगर हमने फर्स्ट डे ही ज़्यादा बेंडिंग कर दी दोस्तों, तो ये स्लिप हो सकता है, ढीला हो सकता है। अगर आपकी सर्जरी फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से हुई, जिसमें ऑल इनसाइड रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस, तो दोस्तों उसमें ऊपर ऑटोमेटिक बटन लगता है एडजस्टेबल लूप, और उसमें नीचे भी एडजस्टेबल लूप लगता है, और दोनों बटन से बटन तक हमारा जाता है फाइबर टेप। फाइबर टेप आपके जो नया लिगामेंट है दोस्तों, उसको बचा के रखता है, उसको लंबा होने से, खींचने से, फटने से रोकता है। जब बटन से बटन का डिस्टेंस बढ़ नहीं सकता बिकॉज फाइबर टेप लगा हुआ है, तो ये ग्राफ्ट भी ढीला नहीं हो सकता अगर आप उसको बेंड कर दें। इंटरनल ब्रेस सर्जरी में जैसा आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, ऊपर बटन लगा हुआ रहता है, नीचे बटन लगा हुआ रहता है, ये आपका ग्राफ्ट है और ये फाइबर टेप जा रहा है जो एक बटन से लेके दूसरे बटन तक जा रहा है। अगर आप वीडियो में भी देखेंगे दोस्तों, तो हम बटन फिक्स करने के बाद घुटने को मोड़ते हैं। पूरा फिक्सेशन हो गया घुटने का, बटन लगे, ऊपर लगे, नीचे लगे, उसके बाद भी घुटने को मोड़ा जाता है। घुटने को तुरंत मोड़ दिया जाता है इंटरनल ब्रेस सर्जरी में, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जो कि स्क्रू सर्जरी में पॉसिबल नहीं है। स्क्रू सर्जरी में एक बार स्क्रू लग गया बायो स्क्रू, तो उसके बाद घुटना बेंड करना मुश्किल है। घुटना बेंड नहीं किया जाता, फिर 10 डिग्री बेंड होगा पहले सप्ताह, सेकंड सप्ताह ही 20 डिग्री होगा। तो कंप्लीट बेंडिंग आते आते आपको 1.5 से 2 महीने लगेंगे ही लगेंगे। इंटरनल ब्रेस सर्जरी में फिक्सेशन के बाद जब दोनों बटन लग जाते हैं, तब आप घुटना मोड़ सकते हैं, क्योंकि फाइबर टेप भी लगा हुआ है, तो वो लंबा नहीं होगा आपका लिगामेंट। हम पहले दिन ही लगभग 100 डिग्री पैर बैंड कर देते हैं पेशेंट का, और 1 महीने में हम कंप्लीट बैंडिंग अचीव कर लेते। इस सर्जरी के अंदर ऑपरेशन के बाद घुटने जो जाम होने की टेंडेंसी होती है, वो कम होती है, क्योंकि जल्दी बेंडिंग आ जाती है। दूसरा, क्योंकि इसमें सपोर्ट भी लगा हुआ है इंटरनल ब्रेस का, तो आप पहले ही दिन से पूरा वजन देके चल सकते हैं, आपको वॉकर की जरूरत नहीं रहती, आपका घुटना बैंड हो जाता है 100 डिग्री तक। साथ ही साथ में जो बाहर जो ब्रेस लगा हुआ है, उसकी भी जरूरत नहीं रहती पहनने की, क्योंकि अगर बाहर ब्रेस लगा हुआ है, अगर हमने अंदर ब्रेस बना दिया, तो बाहर ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं, तो रिकवरी फास्ट आती है। इसमें बैक टू जॉगिंग 1 महीने रहता है इंटरनल ब्रेस में, और बैक टू रनिंग इसमें 3 मंथ्स रहता है। बेंडिंग दोस्तों इस पर भी डिपेंड करती है कि आपकी एसीएल सर्जरी के साथ और क्या क्या सर्जरी हुई। अगर आपकी मल्टी लिगामेंट सर्जरी हुई, तो बेंडिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। अगर आपके मेनिस्क टॉमी हुई है, मतलब मेनिस्क तो थोड़ा निकाल दिया गया है और सिर्फ एसीएल की सर्जरी हुई है, तो आपका प्रोटोकॉल सेम रहता है बेंडिंग में। पर वहीं अगर हमने मेनिस्कस रिपेयर भी किया है दोस्तों, तो कई बार प्रोटोकॉल बदल जाता है। मेनिस्कस रिपेयर सर्जरी के बाद कितनी बेंडिंग करनी चाहिए, वो बहुत वेरी करता है कि आपका किस तरह का टीयर था और किस तरह से हमने उसको रिपेयर किया है। तो जनरली मेनिस्कस सर्जरी के बाद 1 से 1.5 महीने में आपकी बेंडिंग कंप्लीट आ जाती है। अगर इस बारे में आपको और कोई भी डाउट हो दोस्तों, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसका डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा। हम रखें आपका ख्याल।